नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ अर्जुन, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल सैफ अर्जुन UK01। आज फिर से मैं आपके लिए नेरेस पे लेके आया हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का नाम आए तो पुआ का नाम रह जाए पीछे, तो ये तो हो नहीं सकता। आप देखिए किस तरीके से बनाता हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पुआ, राजस्थानी स्टाइल में कैसे हम पुआ बनाते हैं, होटल स्टाइल में या रेस्टोरेंट स्टाइल में, राजस्थान में कैसे पुआ बनाते हैं और किस तरीके से हम सर्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, राजस्थानी स्टाइल पोहा में सबसे पहले हम हींग ऑयल डालेंगे, हींग डालेंगे, उसके बाद आपका सरसों दाना, उसके बाद कड़ी पत्ता और आपकी कटी हुई मिर्च। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि राजस्थान में क्या होता है, स्पाइसी का बड़ा क्लेश है यहाँ पे, तो ये तो हमने मिर्ची डाली और प्याज क्यूब पे कटे हुए टमाटर, उसके बाद हरी मिर्च कटी हुई, उसके बाद डालेंगे पोहा, पोहा के बाद लाल मिर्च, आपकी हल्दी पाउडर, टेस्ट अनुसार आप नमक डाल सकते हैं इसमें, और शुगर हम किस इसका डालते हैं कि थोड़ा टैंगी टाइप का टेस्ट आए, इसका टैंगी स्टाइल में तो टेस्ट आए इसका पोहा का। उसके बाद लेमन जूस डालेंगे इसमें, उसके बाद कटा हुआ धनिया और आपका सेब, आपने सेब देखा तो ये सेब हम पोहा में डालने के लिए लाया है। ठीक है, ये तो इसकी रेसिपी हो गई, किस तरीके से हम बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। सबसे पहले डालेंगे हम कढ़ाई पे ऑयल, ये हमारे तेल गर्म हो चुका है कढ़ाई पे। ठीक है, उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1/2 teaspoon आपका हींग और हल्का सा सरसों दाना और आपका 4 से 5 कड़ी पत्ता और हमने ये लाल मिर्च काट के रखी हुई थी, लाल मिर्च डाल दी इसमें। मैंने आपको बताया था ना राजस्थानी स्टाइल में बना रहे हैं पोहा, लाल मिर्च मैंने डाल दी है, थोड़ा मैंने बढ़ा के डाले, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के रखी है, पता है यहाँ के लोग थोड़ा स्पाइसी टेस्ट करते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें, ये हो चुका गरम, इसमें डालेंगे हम प्याज, आपका चॉप करा हुआ प्याज और आपका क्यूब काटे हुए चिली पाउडर, जो हमने चॉप मिर्च करी हुई थी वो हमने डाल दी थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैंने तो ज़्यादा डाल रखा है इसमें क्योंकि मैं थोड़ा पसंद। 1/2 teaspoon आपका हल्दी पाउडर और 1/2 teaspoon लाल मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। पानी जो मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, फिर मिक्स डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पुआ, ऐसे घुमा देंगे। मूंगफली के दाने कटे हुए ये डाल दिए हमने, फ्राई करे हुए मूंगफली के दाने, तो मैंने ये पहले इसमें लास्ट में डाल दिया, ये हमारा पुआ रेडी हो चुका है राजस्थानी स्टाइल में। अब इसमें सर्व कैसे करते हो दिखाता हूँ, ये हम इसे सर्व करेंगे। अब ये देखिए इसमें क्या डालेंगे, आपके ऑनियन चॉप करे हुए, चॉप करे हुए ऑनियन डाल दिए और चॉप करा हुआ टमाटर डाल दिया और आपकी सेब भुजिया, ये इसीलिए राजस्थान में देते हैं हम इसे सेब भुजिया, ये राजस्थानी स्टाइल सेब भुजिया डाल दिए हमने। ठीक है, और इसके बाद हल्का सा हरा धनिया, मैंने बोला था ना इंडिया में फ्लेवर के बड़े दीवाने होते हैं, वही हमने हरा धनिया डाल दिया, ये हमने लेमन देना है इसके साथ में, सेपरेट लेमन देना है। बाकी आपने देखा ऑनियन चॉप, टमाटो चॉप, धनिया और सेव, ये राइस की। देखिए आपको कैसा लगा आपका पोहा, राजस्थानी स्टाइल पोहा,
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट टाइम कुछ भी आपको नया कुछ सीखना हो या दाल बाटी चूरमा सीखना हो, राजस्थानी स्टाइल में सेक टमाटर की सब्जी, गट्टा करी और केड़ सांगरी, लाल मांस, इस तरह की कोई नई रेसिपी सीखनी हो राजस्थान में कैसे बनती है, तो प्लीज़ कमेंट पर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए दाल बाटी चूरमा बनाऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे ही। थैंक यू, धन्यवाद।